हमको सब काम अपने कंधों पर नहीं डालने चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी अगली नस्ल के पास आराम करने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। हमें इनके लिए कुछ मसाइल और इनको हल करने के ज़राए छोड़ देने चाहिए। जब तक औरत ना चाहे, मर्द कभी भी अपनी हद पार नहीं कर सकता। जिंदगी एक खेल की तरह है, यहाँ पर बहुत खिलाड़ी हैं। अगर तुम इनके साथ नहीं खेलोगे तो वो तुम्हारे साथ खेलेंगे। हमारे माशरे में एहतराम इतना नापैद हो चुका है कि अगर किसी बंदे को खातून का एहतराम करते देख लें तो लोग समझते हैं कि ठरक झाड़ रहा है। औरत हमेशा अपनी मर्जी से मर्द के काबू में आती है। इसकी मर्जी के बगैर इसे छूना तो बड़ी दूर की बात है। इसे टकटकी बांधे देखने पर भी हंगामा खड़ा हो सकता है। हर गलती कर लेना, मगर शौहर को कभी भी एक बात मत बताना, वरना वो तुम्हें 2 टके की इज्जत भी नहीं देगा। वो ये कि इसे अपने माजी में की गई गलतियों का ना बताना, इसके पूछने पर भी ना बताना।